आज हम लोग जाने वाले हैं बांग्ला बिहार उड़ीसा का हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्लेस कोर पे। यहाँ आने के लिए आपको पहले पहुँचना पड़ेगा मालदा, फिर रतबड़ी स्टैंड से पैसेंजर गाड़ी लेके पहुँचना पड़ेगा गोड़ पे। आज हम लोग एंटर करने वाले हैं लुकोचुरी गेट से। इस गेट को सलामी दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस गेट को 1655 एडी में सम्राट शाहजहां के पुत्र शाहू शुजा ने बनाया था। इस गेट की लंबाई 19 मीटर्स और चौड़ाई 12 मीटर्स है। लुकोचुरी गेट से इंटर होते ही राइट में पड़ता है कदम रसूल मस्जिद। कदम अर्थात पैर, रसूल अर्थात चिन्ह। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद जी का पदचिन्ह है, इसलिए इसका नाम हुआ है कदम रसूल मस्जिद। इस आर्किटेक्चर को 1531 एडी पे बनाया गया था। इस मस्जिद की नक्काशी दूसरे मस्जिदों से बहुत अलग है। इतना पुराना होने के बावजूद भी ये अभी भी बहुत खूबसूरत है। गेट से एंटर होते ही सामने आपको दिखेगा एक घर जहाँ पे है फतेह खां जी की समाधि, और इस साइन बोर्ड में कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फतेह खां थे औरंगजेब की सेनापति दिलवार खां की पुत्र। सम्राट के आदेश पे शाहू नियामतुल्लाह को मारने के लिए फतेह खां यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आने के बाद खून की उल्टी होने के वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसके ठीक साइड में है कदम रसूल मस्जिद। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद जी का पदचिन्ह है। ये पदचिन्ह या फिर कदम रसूल को बीच में रख के उसके चारों ओर ये मस्जिद को बनाया गया है। जब सिराज दौला बांग्ला बिहार उड़ीसा का नवाब हुआ करते थे, तब उन्होंने इस पदचिन्ह को मुर्शिदाबाद के कदम शरीफ पे लेकर गए थे। पलाशी के युद्ध के बाद जब मिर्जाफर बांग्ला बिहार उड़ीसा का नवाब बने थे, तब फिर से उन्होंने इस पदचिन्हों को यहाँ पे लेकर आए थे। इतिहास में है कि ये मस्जिद सुल्तान नुसरत शाह के द्वारा 1530 से 1531 में बनाया गया था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोग इस कदम रसूल को देखने आते हैं।